अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग घनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खुशबाश है, खैरियत से हैं? अच्छा, खैरियत से होंगे, खुशबाश भी होंगे, क्योंकि हमारा आजकल वीक ही इतना खूबसूरत और इतना खुशी वाला वीक चल रहा है कि हर तरफ चहक महक, ये वो लटरम पटरम, और कहते हैं ना कि बहुत सी रौनकें हम अपने सेट पे बिखेरे हुए हैं। तो जैसे कि हमारा वीक है कि आपका जोड़ा आपके सामने, और हम लेकर आएंगे आपका जोड़ा आपके सामने आपके स्टाइल में, आपकी पसंद का, आपके रंग का, सिर्फ दो घंटे में। तो ये वीक का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जोड़ा ऐसा इमोशनल चीज़ होती है कि किसी का छोटा बन जाए, किसी का लंबा बन जाए, किसी का स्टाइल ख़राब हो जाए या किसी की डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जो कि थोड़ा सा ना उसमें चली जाती हैं, अब मैं इसको क्या वर्ड करूँ, कम्प्लेक्स में चली जाती हैं कि थोड़ा उनका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, या आजकल कम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है, या बाल उनके सेट नहीं हो पा रहे, या अपनी ग्रूमिंग में वो तवज्जो नहीं दे पा रही क्योंकि जॉब ऐसी है, रोज़ बच्चों के अंदर लगी होती हैं, रोज़ खानों में, किचन्स में, मेहमानदारियों में, तो वो भूल जाती हैं कि वो भी एक एंटिटी हैं, उनको भी जीने का हक है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं ख़वातीन में, उन्हीं ख़वातीन के लिए जो कि थोड़ी सी कहती हैं, थोड़ी सी बदल गई हैं, मतलब कि उनको मैं ये कहूँगी कि वो बदल गई हैं। शादी से पहले वो बहुत स्मार्ट हुआ करती थी, वो अगर अपने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को याद करें तो याद करती होंगी अपनी एल्बम्स खोल के, कल भी मैंने बताया था अपनी शादी की तस्वीरें खोल के, हाय मैं इतनी सी थी, मैं इस कमर में फ़िट होती थी, हाय अब मुझे क्या हो गया है, अच्छा अब मैं वापस कैसे जाऊं, और अब तो खैर फिर अपने आप को दिलासा देती हैं, अब तो मेरे बच्चे हो गए हैं, अब तो खैर हर चीज़ उनके ऊपर, अब मेरी बेटियों की मैं स्टाइलिंग करूंगी, अब बेटियों की डिज़ाइनिंग करूंगी। मगर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर एज का जो ब्रैकेट होता है वो उतना ही खूबसूरत होता है, उसको सेलिब्रेट करना, उसको रिजॉइस करना, उसके लिए इकदाम करना, उसके लिए कहते हैं अपनी खुशियों को इकट्ठा करना, वो हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी छोटे छोटे मोमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट करना है, अपने जोड़े को कैसे डिज़ाइन करना है, अपना वेट को कैसे कम करना है, और अगर वेट कम नहीं भी हो रहा, या उसमें भी ज़ाहिर एक एज होती है, उसके बाद इंसान थक जाता है, जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट कर रहा है, रोज़ कोई ना कोई रेसिपीज़ खोल के बैठा हुआ है कि आज मैं कीटो करूँगी, आज मैं हाई प्रोटीन डाइट करूँगी, आज मैं कार्ब्स फ्री डाइट करूँगी, आज मैं बिल्कुल लेंटल या वेजिटेबल्स पर चली जाऊँगी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती कभी कभार, क्योंकि समटाइम्स आपका जो फैट है वो बहुत कहते हैं ना कि सैचुरेट हो जाता है, या बड़ा वो हमेशा जम जाता है, जिसको कहते हैं ना कि वो नहीं कम हो पाता। और समटाइम्स ये होता है कि आप चाहते हैं कि आप वापस उस फिगर पे जाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो पाता, समटाइम्स आपको एक्सरसाइज नहीं सूट करती, समटाइम्स आपको थोड़ी एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब इक्वल हैं, और हम ख़वातीन को कहते हैं ना सेलिब्रेट करते हैं उनकी जो खुशी होती है, वो जिस शक्ल में हो, जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हो, जिस तरह का भी उनका एक गेटअप हो, लाइफस्टाइल हो, और उनकी जसामत हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, और हमें फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। वी शुड बी लाइक यू नो लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, वी शुड लीडिंग अ प्रॉस्पेरस लाइफ। बिसाइड दैट कि हम लोग सही हैं, हमारे हेल्थ ठीक है, हमारे अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, अल्लाह ताला ने पाँव दिए, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया है, तो हम इन चीज़ों को लेके भी आगे जा सकते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपका जोड़ा आपके सामने, वो भी अपने कहते हैं ना कि अपने अंदर ही एक बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। वो मीनिंग ये रखता है कि उस जोड़े को हम आपके लिए डिज़ाइन करेंगे। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको नहीं समझ आती कि वो कपड़ा ले आते हैं और वो अपने वार्डरोब खोलते हैं, उसमें बंच ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, तो उन फैब्रिक्स को रिक्रिएट कैसे किया जाए, उन फैब्रिक्स को उनके बटन कैसे लगाए जाएँ, लेसेस कैसी लगाए जाएँ, और पहना कैसे जाए, और क्या वो फैब्रिक उनके फिगर के मुताबिक अकॉर्डिंगली स्टिच हुआ है, क्योंकि ये भी हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। और मास्टर जी जो हैं वो एक मेन जो होता है ना हाईलाइटेड सिंबल होता है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि हमारा हर दूसरा फ़ोन उनको होता है कि मेरे कपड़े सिल गए हैं, कमेटी पे जाना है कपड़े सिल गए हैं, बर्थडे पे जाना है कपड़े सिल गए, शादी पे जाना है कपड़े सिल गए हैं, या घर के पहनने वाले कपड़े सिल गए हैं, माँ साहब सिल गए हैं, नहीं सिल गए। तो इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना पूरा वीक शो करें और डिफरेंट वुमेन की सेलिब्रेशन करें। कोई वर्किंग वुमेन है, कोई हाउस वाइफ्स हैं, कोई अपनी ज़िंदगियों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हैं,
तो आज का जो शो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन शो है, जो कि वो जो कहती ना, हाय ये तो पता नहीं हम पे नहीं सूट करेगा, ये तो नहीं अच्छा लगेगा, ये तो हमारे फिक्र के मुताबिक नहीं है, ये तो पता नहीं मैं इसमें क्या लगूंगी, ओ माय गॉड ना ज़्यादा मेकअप ना करना मेरे ऊपर, कि पता नहीं मैं क्या ही लगूँ, मैं अपनी उम्र से बड़ी लगूँ या उम्र से मैं कोई बच्ची लगूँ, मेरा प्रोफेशन देखो, मेरी जॉब देखो और मेरी ये देखो तो मुझे क्या बना रही हूँ। इन सब चीज़ों के जो एक्सप्रेशन हैं आप देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, आज हमारे साथ हमारे मास्टर जी भी होंगे जो हमें जोड़ा सीख के दिखाएंगे, और आप लोगों ने ज़रूर देखना है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग घर में स्टिचिंग करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एक तरह से ये नॉलेज है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन है कि वो घर में सादा जोड़ा, डिज़ाइन वाला जोड़ा किस तरह सी सकते हैं, और मोबाइल स्टिचिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह मोबाइल स्टिचिंग होती है कि आप हम अपना जो हमारी जो कैंपेन जो हम चला रहे हैं वो ये चला रहे हैं कि आप जोड़ा अपना 2 घंटे में सी सकते हैं, आपको सारे बहाने जो हैं वो ख़त्म करने, कोई बहाना नहीं सुनना। हमने आपको कल भी दिखाया था कि जोड़ा 2 घंटे में सिया जाता है, तो ये सब बहानों से आप कहते हैं ना कि ऊपर आ गए हुए हैं, और इन बहानों को तोड़ कर अब आप जो हैं अपना एक, आप जो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ की आप डोमिनेंसी कर सकेंगे, वो ये कर सकेंगे कि सारे जो बहाने वो ख़त्म हुए, और अगर आपके माँ साहब आपको तंग कर रहे हैं या आपका स्टाइलिस्ट आपको तंग कर रहा है या आपको नहीं समझ आ रही तो आप ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं। तो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट और वेरी न्यू, क्योंकि नॉर्मली हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, नॉर्मली हमें कुछ नहीं पता होता। तो इन सब चीज़ों को अंडर वन रूफ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग हमारे साथ रहेंगे, गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो ख्वातीन थोड़ी सी बल्की हो जाती हैं तो उनकी स्टाइलिंग कैसे की जाए, उनको खूबसूरत कैसे दिखाया जाए, और उनको वेट से कॉन्शियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब का जवाब और सवाल करने के लिए हमारे जो पैनल पे जो हमारे गेस्ट हैं उनमें मैं इन्वाइट करती हूँ ज़ैनब को सबसे पहले, और उनका साथ देंगी। और उनका साथ दे रही हैं फिलज़ा वकार। फिलज़ा इतने प्यार से, इतने नज़ाकत से आ रही है, आराम आराम से। फिलज़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सुबह सुबह उठ के कैसा लगा? आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बहुत डिफरेंट लगा, अच्छा भी लगा। अच्छा भी लगा। तो ज़ैनब और फिलज़ा जो है ना वो दे यूज़ टू वर्क, फिलज़ा पहले काम करती थी, ज़ैनब इज़ वर्किंग। तो आज हम बिल्कुल वर्किंग के ऊपर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बीइंग अ वर्किंग वुमन ही लाएंगे, और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है बहुत प्यारी, हमेशा से ही मेरी हमारा जो सेगमेंट होता है किचन का, जहाँ वो मज़े मज़ेदार खाने बनाती हैं, चुपके से आके मुझे ऐसे कहते हैं ना कि भाऊ करना। तो अनम आई हैं, अनम शेख, अस्सलाम वालेकुम अनम। You're looking amazing, माशाल्लाह, हमेशा से। अच्छा आप ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। अच्छा तो फिलज़ा और ज़ैनब, अच्छा फिलज़ा ज़ैनब सबसे मुझे बताओ, यू बीन वर्किंग, यू बीन गोइंग टू स्कूल, सुबह रूटीन, उठना शाम को ऑफिस, हाउ डू यू ट्राई टू ड्रेस अप योर सेल्फ, और कौन आपका स्टाइलिस्ट होता है, कैसे समझ आती है कभी कभार क्या पहनना है क्या नहीं पहनना? अच्छा, आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम द डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइन वेलफेयर फाउंडेशन, इट्स अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे तैयार होकर जाना वॉज यूज टू बी रियली ट्रिकी, क्योंकि पूरा दिन आपके पास इस तरह के लोग आ रहे होते हैं, वेरी नीडी, और फिर उधर जो है ना आपको बड़ा वो सोच समझ के तैयार होना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा भी तैयार ना हुए हों, क्योंकि दे गोइंग टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज एंड द हार्डशिप्स दैट दे आर फेसिंग इन लाइफ, तैयार होके जाएंगी तो फिर आप खुद गिल्टी फील करते हैं कि अच्छा। वो क्या, तो वो थोड़ा सा इस तरह आपको फील होता है। अच्छा, ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप तैयार होके जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है? इट डज, बट यू हैव टू कीप अ बैलेंस। जिस तरह इफ यू वर्किंग एट अ स्कूल तो आई थिंक वो ज्यादा ईजी होता है कि स्कूल्स में हैं आप लोग या यूनिवर्सिटीज में, व्हेन यू आर टीचिंग
तो वो ज़रा ज़्यादा ईजी होता है. यू कैन ड्रेस अप वट एवर वे यू वॉन्ट टू. लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप चैरिटी के लिए काम कर रहे हो तो लोग आ रहे हैं चैरिटी के लिए, तो आपको होता है कि आप उनके मुताबिक ड्रेस अप थोड़ा सा इस तरह से कि जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा फील ना हो, और थोड़ा आपने वो इमोशंस और उन चीज़ों को भी जो है वो देखना होता है. लेकिन हाँ, जो हम लोगों के इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर फिर जो है ना वो प्रॉपरली जो है वो नहीं उसके ऊपर तो फिर आप जो है ना यू कैन ड्रेस अप वट एवर वे यू वॉन्ट टू. फिलजा यू बीन वेरी मच हर जगह यू वेरी वोकल माशाल्लाह. तो कपड़ों पे हाउ डू यू फोकस, बिकॉज नाउ यू नॉट वर्किंग, आप हाउस वाइफ है. और एक यू नो हाउस वाइफ होता है ना कि बंदा हाउस वाइफ है तो सबको अलार्म हो जाता है, अच्छा ये भी तो कुछ नहीं करती. हाँ, ये भी तो कुछ नहीं करती, क्या करती है. रियली टेल यू द ट्रुथ, हम अच्छे अच्छे जोड़े पहनते हैं. अच्छा, हमारी लाइफ के भी इस तरह काफ़ी ज़्यादा आपके होते हैं प्रॉब्लम्स के. इफ़ यू आर गोइंग, आपको बहुत तीन चार तरीके से तैयार होना होता है. आपका वो एक ही ड्रेस यू, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे तीन चार जगहों पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप उसी ड्रेस को अगर बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जा रहे हैं तो योर मेकअप शुड बी अ लिटिल कैजुअल न्यूडिश काइंड ऑफ, आपकी ज्वेलरी बहुत मिनिमल होनी चाहिए. देन अगर उसी में आप किसी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, कमेटी पार्टी के लिए जा रहे हैं, देन यू हैव टू अप द गेम. तो द थिंग इज़ इट्स इनसाइड यू, आप अपने किस जोड़े को किस तरह लेके चलते हैं ये आपकी अपनी है. और हमें भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, हम हाउस वाइफ बहुत कुछ कर रहे होते हैं. एंड द मेन थिंग इज हम लोग अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं. तो अब अच्छा उसमें भी होता है कि भाई टाइम नहीं है, बच्चों के पीछे बंदा भाग रहा है, हमें टाइम कैसे मिले, हम टेलर को कैसे समझाएं, एग्जैक्टली डिजाइन कैसे करें. दिस इज द बिगेस्ट डायलेमा ऑफ वर्किंग हाउस वाइफ्स के यार टेलर उनकी जिंदगी का नहीं, टेलर के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी घूम रही होती है. तो हमारी जिंदगी भी आज टेलर के इर्द गिर्द घूम रही है. माँ साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमें ज्वाइन करते हैं रोज ही और कुछ ना कुछ बेहतरीन बनाते हैं, माँ साहब के पास चलते हैं. तो माँ साहब आप जो हैं वो एक कहते ना कि सबसे जरूरी हैं हमारी जिंदगी जरूरी है. तो आज जो है आप क्या स्टाइल, अगर आपको कहा जाए, अगर मैं आपको नहीं गाइड करती या कोई बाजी गाइड नहीं करती तो आपको कहा जाए कि मासा भी जोड़ा सीना है लॉन का या फिलजा के साइज पे सीना है, तो आप इनको देख के क्या सजेस्ट करेंगे? माशाल्लाह इन पे शॉर्ट शॉर्ट में भी या लॉन्ग में भी चले जाए बड़ी अच्छी लगेगी. बट वो क्या कहते हैं प्लाजो स्टाइल, प्लाजो स्टाइल वो ज्यादा लॉन्ग शर्ट प्लाजो. आप स्ट्रेट पैंट इनको इनको सजेस्ट नहीं करेंगे? शॉर्ट शर्ट के साथ जो है ना उसके साथ कैपरी स्ट्रेट पैंट ठीक है, इनकी बॉडी के हिसाब से वो ज्यादा लुक करेंगे. अच्छा, ये चीज देखते हैं आप लोग, ये सारी चीजें देख के ही फिर जाके उसको करना. हम अर्ली इनकी सजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वी रियली डू कंसीडर दिस. तो ये अब देखे ना फिलजा ने ये पहना हुआ है, फिलजा ने वैसे लॉन्ग शर्ट ही नॉर्मली पहनी हुई, बट हम जो स्टिच करेंगे फिलजा के लिए वो हम डिसाइड करेंगे. फिलजा वैसे आपको क्या पसंद है नॉर्मली, आप मासा को क्या कहती है क्या मुझे बनाते हैं? यार बेसिकली आजकल बिकॉज मेरी चॉइस चेंज होती रहती है विद रेफरेंस टू फैशन एंड एवरीथिंग जो आजकल चल रहा होता है, तो आजकल मेरा दिल करता है कि लॉन्ग सी शर्ट हो और मजे का और एरी हो, थोड़ा एरी हो बिकॉज समर है. तो आपके लिए आपने सारा दिन मूव करना है उसमें, तो आई थिंक जो माँ साहब ने मेरे लिए सजेस्ट किया है आई वुड रियली गो फॉर दैट. माँ साहब की वेरी गुड ऑब्जर्वेशन है, माँ साहब ने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है. आज व्यूअर्स फिलजा जो है वो हमारी मॉडल है और फिलजा इस वक्त नो मेकअप में है, बिल्कुल नो मेकअप फिलजा ने किया हुआ है और फिलजा को हम ड्रेसअप करेंगे, फिलजा अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से इनका ड्रेस बनाएंगे, इनको मेकअप करेंगे, इनको ज्वेलरी पहनाएंगे, इनको एक प्रॉपर लुक देंगे. तो व्यूअर्स आप लोगों को परेशानी हमने दूर किया है, हर बॉडी टाइप हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बॉडी टाइप पे ये सूट करेगा, इस फिगर पे ये सूट करेगा. तो आप लोगों की जो जिस तरह के फिजा का जो माशाल्लाह यू नो फिगर है यू कैन रिलेट और वही ड्रेस आप अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं. मॉम फिगर, हाँ, मॉम, वी ऑल आर मॉम्स. अच्छा मासा की दिखाई का प्रिंट फिलजा. अच्छा आई चोज, रात को हम काफी चीजें देख रहे थे तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा लाइंस में इसका प्रिंट लें. एग्जैक्टली, ये देखो दिस इज प्रिंट. अच्छा ये लॉन्ग गर्मियों की ये दुपट्टा है इसका, और कलर्स देखो इसके, और शर्ट देखो इसमें जो है, ये तो दुपट्टा हो गया दुपट्टे का और ये शर्ट हो गई. लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट है वैसे भी, दे मेक यू लुक स्लिमर. अच्छा ये देख लो, कहते हैं एग्जैक्टली गला भी बना हुआ है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस प्रिंट. तो ये टोन्स ये सारा जो प्रिंट है ये अगर हम इस तरह देखें तो ये इस हिसाब से
ये देखें, ये प्रिंट है और कलर्स आर वेरी, पता है कलर से ही आपकी वाइब्रेंट आ जाती है। exactly. जैसे भी ज़ैल अपने कलर पहना हुआ है, आपने पहना हुआ ये कलर मैंने चूज किया, कैरेटिश पिंक है बिल्कुल, थोड़ा सा तो इस कलर से अच्छा है। दूसरी बात ये है कि हम बहुत महंगे महंगे जोड़े बनाते हैं, लॉन के भी टाइप्स हैं, मगर घर में पहनने के लिए या हमने कहीं कैजुअल जाना है उसमें पहनने के लिए हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा लाइट पहने, क्योंकि हमने डेली वेयर करना है। आगे का मौसम बिल्कुल इसी तरह समरी आ रहा है, स्वेट होगा बिल्कुल, पसीना होगा, तो हमें लगता है कि हमें थोड़े से कढ़ाई के बगैर नहीं, कढ़ाई के तो आप यू जस्ट आपके बंद जाते हैं फॉर डिनर्स, फॉर फॉर्मल थिंग्स। और वैसे भी अभी आजकल जो ट्रेंड ज्यादा देखने में आ रहा है वो ये है कि बेसिक्स आर मोर बेसिक्स सॉलिड्स एंड कोऑर्ड्स जो है। हमारा सब आप अभी स्टिच करने लगे हैं या फिलजा बाजी का साइज आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो आप क्या इसको बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे इसको, ए लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट कट बनाएंगे, थोड़ा सा भी बताए ना कि इनको ए लाइन सूट करेगा कि स्ट्रेट सूट करेगा। थोड़ा सा ए लाइन में जाएंगे, थोड़ा सा ए लाइन, ज्यादा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ए लाइन और नीचे प्लाजो ही बनेगा। अच्छा, ए लाइन आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, ये ताकि बॉडी टाइप को लेकर खुला लगे, साइड ना नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लेडीज जो है वो थोड़ी सी जिनका पियर शेप बॉडी होती है वो साइड से ना उनकी वो जो अगर कवर ना हुआ तो साइड से ही सारी जगह नजर आ रही होती है, वो आप खुद इजी फील नहीं करते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आप इनको ए लाइन बना के देंगे। जी जी, ए लाइन बना के। तो ए लाइन का मतलब गहरा कितना होता है? नॉर्मल जो है अगर 22 हिप का साइज है तो आप 26 25 आप नॉर्मल जो है, अगर उससे ज्यादा चले जाएंगे तो फिर वो ज्यादा फ्लेयर में आ जाएगा ए लाइन। ठीक है, तो आप मतलब के 25 तक इनका घेरा लेके जाएंगे। ठीक है, और बाजू जो है वो फिर अच्छा, बाजू मुझे तो 3/4 बहुत अच्छे लगते exactly. हैं। 3/4 looks very nice, है ना? उसके साथ you can always wear accessories exactly. as well. तो बड़ा वो अच्छा, I'm accessory wearing kind of person. I really love that. I saw chirpy, so I saw Filza ki chirping ki thi, like you know, it don't seems like अच्छा कि Filza भी इतना कुछ he has into her mind. But माँ साहब आप शुरू करें, तो आप बताना शुरू करें और प्लाजो और दुपट्टा इसके साथ बनेंगे। फिलजा को हम पूरा तैयार करेंगे, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि आप लोगों ने कैसे तैयार होना है, गर्मियों का जो जोड़े हैं उसको कैसे डिज़ाइन करने हैं, अपनी वॉर्डरोब को कैसे आपने फ्लोरल्स और कलरफुल रखना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो स्टेशन है दर्जी खाना, वो इस वक्त सिलाई कर रहा है, जोड़ा बनना शुरू हो गया है, और उसके साथ साथ अब हम चाहते हैं कि हम उस जोड़े के साथ जो मेकअप कॉम्प्लीमेंट करता है, हम सलमा से पूछें। सलमा, आपने जोड़ा देखा, कलर देखे? जी बिल्कुल। तो अब इसके साथ आप क्या सजेस्ट करती हैं, कौन सा मेकअप होना चाहिए? बिल्कुल कैजुअल और लाइट, बिकॉज मेरी जो अभी क्लाइंट हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी डार्क है, इनके ओपन पोर्स का लाइक कल की तरह इनका भी मेन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो हम इनका जो फाउंडेशन है वो इनके हमारी स्किन के साथ सबको हो जाती है। हाँ, स्किन के साथ मैचिंग, यानी कि मैं बेज में जाऊँगी, बेज कलर लगाऊंगी इनका फाउंडेशन में, और वन शेड मेकअप करूँगी और ब्लेंडेड करूँ, क्योंकि इनकी हुडेड आईज हैं और छोटी आईज हैं, तो मैं ब्लेंड करूँगी डार्क कलर्स के साथ जो है, और लाइटर कलर्स को ब्लेंड करके अच्छा सा जो है अभी आपको क्रिएट करके दिखाते हैं कि कैसे अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। लाइट जोड़ा है तो मतलब ये नहीं कि लाइट है तो लाइटर कलर्स लगा लें उठा के, नहीं, आपने अपने फेस फीचर्स को भी देखना होता है कि आपके जो फेस फीचर्स हैं, फेस कॉम्प्लेक्शन है, उस पे कौन से कलर्स जाएंगे। आप जोड़े को देख के कलर्स नहीं लगा सकते। नॉर्मली ऐसा भी होता है ना कि ऑब्वियसली बात है, ये जो हमारा ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, इसमें कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क की तरफ जाता ही जाता है। जी जी बिल्कुल, हम वी पास थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, एटर्निटी है, चीजें हैं, शादी है, हार्मोन लेवल्स हैं, जी जी, 100 चीजें हम लेके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, उनके 100 कभी लड़ना कभी झगड़ना उनके दिमाग में, कहते हैं दही कर देते हैं बच्चे स्ट्रेस से। पिगमेंटेशन, वही मैं बात करना चाहती हूँ, तो पिगमेंटेशन के लिए या इस एज के लिए सबसे जरूरी चीज जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, करेक्टर, आप करेक्टर, जी हाँ, आप फाउंडेशन करेक्टर जो है वो लाजमी यूज करें, जिसको कि आप कहते हो कि कंसीलर भी बोलते हो, कि आप कैमोफ्लाज भी बोलते हो अपनी जुबान में, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम, कंसील करना अपने आप को। हाँ जी, आप जो है वो कंसील कर सकते हो,
और करेक्टर लगा सकते हो लाइक ऑरेंज कलर में, बेज कलर में, डार्क ब्राउन में, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये है कि आपने जब अपना फाउंडेशन रेडी करना है उससे पहले आपने ये सारी करेक्शन करनी है और उसके बाद आप डायरेक्ट अपना जो भी फाउंडेशन है वो एक दो कलर मिक्स करके लगा लें। आज जो मेरी क्लाइंट है उनकी स्किन थोड़ी सी डार्क है तो मैं इन पर बेज कलर में जाऊँगी ताकि मैं अगर लगाऊंगी इनके फेस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट उठा के कलर लगाऊंगी तो वो ग्रे टोन में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको बेज कलर लगाऊंगी, ठीक है। आप इनको साथ साथ लगाएं ताकि हम देखें कि आप इसको कैसे करना है। आपने टैप करना है कि एक बेस भी लगाने का तरीका होता है ना, और अपने कलर से आप हमेशा कहती हैं एक कलर डार्क लगाएं बेस, मेरा भी इशू चलता है, बिल्कुल डार्क लगाना चाहिए। नैना, हाउ डू यू इफ यू वांट टू गो ऑन सम पार्टी या कोई अब तैयार होना चाहती हो तो कैसे सिलेक्शन करती हो बेस की? अच्छा, बेसिकली आई हैव ऑयली स्किन तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि जो पाउडर बेस्ड जो है वो फाउंडेशन जो होती हैं उसको जो है मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज करूँ, क्योंकि वरना तो वो जो दूसरी फाउंडेशन है वो दे बिकम ऑयली वेरी क्विक। तो सलमा आप स्टार्ट करें, ज़ैनब आप आ जाए मेरे साथ, क्योंकि हम अब मजीद जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ कराऊँ। तो मैं कॉल करती हूँ, हम मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त भी हैं और शी इज़ इनटू एजुकेशन टीचिंग लाइन ऑन अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। सो आई वांट टू इनवाइट ज़हरा ज़ैदी। लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस टुडे, आई हैवंट सीन यू लाइक दिस सिंस एजेस, बट नाउ यू आर अ डिफरेंट वुमन आई सॉ। थैंक यू, ऑल फॉर यू हैना, यू लुकिंग माशाल्लाह फैबुलस, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, साड़ी का जो गेटअप है उसके बारे में पूछूंगी, बट मैं बुला लूँ मेरी एक और एक फ्रेंड है, वो भी घर में छोटे से बड़ा जबरदस्त एक बिजनेस कर रही हूँ, उसके बारे में बात करेंगे और अपने आप को कैसे रख रही हैं उसके बारे में पूछेंगे क्या करती हैं। तो आई वॉन्ट इन्वाइट सना मामून। सना ने बड़ी हिम्मत की सुबह सुबह आके और मैं चाहती थी ये आए और इस तरह इंटरेक्शन भी हो जाएगी और फिर हम कहते हैं थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे साथ। ज़हरा जी, मैं आप पे आऊंगी। ज़हरा, आई हैव ऑलवेज सीन यू इन साड़ीज, क्यों? आई जस्ट थिंक दैट साड़ीज बहुत ग्रेसफुल होती हैं। आई थिंक इट डजंट मैटर वेदर योर whatever you may look like, sarees suit everybody. And एक हमारा आई थिंक काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि हमारे यहाँ साड़ियाँ नहीं पहनी जाती। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद इवन अप अनटिल द 80s इतनी साड़ीज पहनी जाती थी। आप कोई भी स्टेट फंक्शन देखें, यू नो, इमेजेस और या आर्काइव्स वगैरह, तो एंड आई फील अ बिट सैड कि अब इतनी नहीं पहनी जाती, बट आई थिंक देयर इज आल्सो मूवमेंट टू रिक्लेम साड़ीज नाउ। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहनना शुरू हो गए हैं एंड आई थिंक हमारे वेदर के लिहाज से बहुत अच्छी रहती हैं, ब्रीजी, एग्जैक्टली। सो इट्स वो ठीक है, बट ज़रा ऐसा भी कहा जाता है, एक नोशन है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि आपके फिगर को छुपा देता है साड़ी, इज इट? I don't know. I don't take it that way. Huh. I just wear them because I love prints, I love color, huh, and things like that. You always been very ethnic. Yeah. हमने आपको देखा, हमेशा से ethnic रही हैं. She doesn't care कि आपके बाल black हैं या white हैं. She has her own aura. और ये भी एक you know आप ज़हरा, मुझे इतने देख के लगता है कि you hail from पता नहीं कौन से nostalgic period से और अब तक ज़हरा ने वो चीज़ create करके रखी है अपनी. और हम सना से भी बात करेंगे, ज़ैनब से मज़ीद बात करेंगे और ज़हरा से मज़ीद हम पूछेंगे, ज़हरा व्हाट इज़ द राज, यू नो, द बिहाइंड हर ओन क्रिएटिविटी। उसके बाद पहले हम माँ साहब से पूछते हैं, माँ साहब कहाँ तक बना है जोड़ा? शर्ट कटिंग हो गई है जी, बस वो शुरू हो गया, तो बट्टा जो है ना इसका स्टिच हो गया, हाँ। लोअर पे लैस लग गई, उसके बाद फिर जो है ना प्लाजो होगा। लेस जो है वो भी दिखा दें, क्योंकि लेस हमने दिखाई नहीं है कि हम लेस कौन सी लगा रहे हैं। अच्छा, लेस हम कॉन्ट्रास्ट लगा रहे हैं, येलो लगा रहे हैं हाँ। पल्लुओं पे लगाई है ये दुपट्टे के, ठीक। अच्छा, दुपट्टे पे लग भी गई है, दुपट्टे पे लग, देख लें जी, दुपट्टे पे हमने लेस लगा दी है, इसको जूम इन करके देखें, दुपट्टे पे बड़ी प्यारी लेस लगी, शटल की लेस है और 20 रुपए गज है मार्केट में, आपको 15 रुपए भी मिल सकती है। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो व्यूज को जाते हैं और उनको मार्केट में 50-50 रुपए गज कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, 20 रुपए गज शटल की लेस है। छोटी सी ब्रेक में व्यूज जाना है, आप लोग हमारे साथ रहे, गुड मॉर्निंग धनक।
बैक व्यूअर्स टू अ रिफ्रेशिंग मॉर्निंग. और इस मॉर्निंग को कैसे रिफ्रेश करना है मजीद वो हमारा किचन हमें बता सकता है. और किचन में है अनम. अनम आप हमें बताएंगी कि हमने आज अपनी मॉर्निंग में क्या खाना है, क्या पीना और कैसे अच्छा लगना है. जी बिल्कुल. आज जो मैंने सोचा कि इतनी मज़ेदार इतना अच्छा टॉपिक है तो उसी से रेलेवेंट जो है आज हम एक डिश बना रहे हैं. आज हम स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स बना रहे हैं और उसके साथ जो है मैं आपके साथ उसकी क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ. इसके लिए चिकन विंग्स लेंगे. आप चाहें तो विद स्किन ले सकते हैं, विदाउट स्किन दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं. सिंपल नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, चिकन पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीनी ऐड ऑन करूँगी लाइक 1/3 टीस्पून के करीब और डालकर अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करेंगे. अच्छा आप इसको हाफ एन आवर मिनिमम और मैक्सिमम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं. उसके बाद आपने फ्लावर लेना है, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है ताकि एक फ्लेवर उसमें आ जाए. फिर हम जो हमारे विंग्स है उसको हम फ्लावर में कोट करेंगे और फिर हम उसको शैलो फ्राई करेंगे. अच्छा वो फिर वही वाली बात आ गई कि हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आपने इसको जब कोट कर लेना है आप उसके बाद इसको ओवन में बेशक जो है वो बेक भी कर सकते हैं. फ्राई करने की जरूरत नहीं है. एयर फ्राई भी कर सकते हैं. जी एयर फ्राई भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. जहरा जो है वो हमारे साथ है. अच्छा जहरा जी किचन में तो ऑब्वियसली वी ऑल वर्क ठीक है बट आर यू कॉन्शियस के थोड़ा सा मेरा वेट सही रहे, मैं ज्यादा ना खाऊं, कुछ होता है कभी कभी? जी बट आई थिंक आई एम मोर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई शुड हैव अ हेल्थी हार्ट एंड आई शुड हैव हेल्थी जॉइंट्स. तो उस मेरा जरा वो एंगल ज्यादा रहता है एंड यू नो कोलेस्ट्रॉल का सोचना, शुगर का सोचना, सो थिंग्स लाइक दैट. एंड या सो वी आर केयरफुल अबाउट दैट. ज़्यादा रेड मीट नहीं खाते एंड थिंग्स लाइक दैट. सो जी अच्छा इसमें जो है ना अक्सर सी ना स्टिंक सी आती है मीट के अंदर, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते? अच्छा क्योंकि जब आप इसको, एक तो पहली बात है कि जब आप इसकी मैरिनेशन, अच्छा अगर आपको वो आती है तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने थोड़ी देर के लिए लाइक विनेगर और थोड़ा सा पानी के अंदर आपने अपने चिकन को डिप कर देना है ठीक है. ताकि उससे जो होगा वो जो आपको एक पर्टिकुलर आप जिस स्मेल की एक बात करी वो ख़त्म हो जाएगी. अच्छा मैं अब आपकी इसकी रेसिपी आगे कंटिन्यू कर लूँ. इसकी जो सॉस बनेगी, सॉस के लिए हम 1 से 2 क्लोव्स लेंगे गार्लिक के, उसको फाइनली चॉप कर लेंगे. सिंपल एक 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें उसको सौते करेंगे जब तक वो स्लाइट गोल्डन ना हो जाए. फिर हम उसके अंदर थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे, सोया सॉस जाएगी. अच्छा, इसमें शुगर जाएगी. अच्छा शुगर को स्किप आप करके जो है इसमें हनी भी ऐड ऑन कर सकते हैं. और साथ में हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, थोड़ा चिकन स्टॉक डालेंगे ताकि सॉस थोड़ी सी बन जाए. उसके बाद जो हमारे फ्राइड विंग्स है वो हम अपनी सॉस में ऐड ऑन करेंगे. 1 से 2 मिनट इसको टॉस करेंगे. आप चाहें तो ग्रीन अनियंस के साथ उसको स्पार्कल्स कर सकते हैं ऊपर, और या फिर आप जो है सेसमी सीड्स है उसके जो है आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है. और सुबह सुबह हम तो खैर अपनी दोपहर की इवनिंग सॉरी आफ्टरनून पार्टी करेंगे. तो आफ्टरनून पार्टी विद टी इज लाइक अमेजिंग विद विंग्स. आप इसको बनाएं, शुरू करें, हम फिर आपके पास आएंगे. और अनम बड़ा अच्छा बनाती है वैसे. और इधर जो हमारी जो हमारा जो स्टेशन है मेकअप का वो तकरीबन इट्स लाइक हाफ डन हुआ है अभी. और मेकअप जस्ट हाँ सो सच अ पिंकी पिंकी मेकअप, वेरी नाइस, वेरी पिंकी. अब कैसा लग रहा है आपको? जोड़े के कलर के साथ आपके मेकअप को एक्सेंचुएट करता है. यू विल बी लर्निंग दिस एंड यू विल बी डूइंग दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. एग्जैक्टली. यू आर लर्निंग टुडे समहाउ. ठीक है तो मासा आप कहाँ पहुँचे हैं? मासा शर्ट स्टिच हो रही है जी, उठ जाए, सुबह हो गई है. उसका बाजू भर रहे हैं, गला तैयार हो गया है शर्ट का और इसके बाद फिर प्लाजो शुरू होगा. अच्छा सही है. तो आपको अभी मेरे ख्याल से एक घंटा और लग जाएगा. तकरीबन एक घंटे एक घंटे में हमारा 3-पीस सूट तैयार है. जी बिल्कुल तैयार हो जाएगा. हाँ तो बस ये अब देखो ना कितना वो है कि आप एक घंटे में 3-पीस सूट अपना तैयार कर सकते हैं. और अगर आप देखें तो कटिंग करके ये शर्ट तकरीबन जो है ये तैयार है. इसको सिर्फ जोड़ना रह गया, इसकी सिलाई रह गई है, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट डन. तो ये भी एक यू नो अच्छा कटिंग का अक्सर होता है कि कटिंग सिंपल कटिंग जो है ना वो नॉर्मली आनी चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना कटिंग आनी चाहिए कि आपको कोई कभी कुछ स्टिचिंग हो तो आपको थोड़ा थोड़ा घर में आप खुद कर सकें. वैसे तो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है बट नाउ इट्स समहाउ इट्स वेरी यूजफुल.
तो अब हमारा जो ये पैनल है इससे हम बैठ के बहुत सी बातें करेंगे, मज़े मज़े की पूछेंगे। मैं सबसे पहले बात करूँगी सना से। सना, आप घर में बड़े मज़ेदार किस्म के डिज़र्ट्स बनाती हैं, ठीक है, और यू किचन में जाना और हर वक्त कुछ ना कुछ करना। उससे पहले आपने बैंकिंग की, बट यू लव टू मेक एंड कुक, आई नो, एंड यू डज अमेजिंग अमेजिंग। घर के जो दावतें होती हैं ना, उनका जो डिकोर होता है अमेजिंग होता है, बहुत कुछ, और इतना कुछ बनाती है। बट किचन में जाना, अपने को फिर वो तैयार भी होना, वो हैसल नहीं लगता है ना? अगेन एक और बात तुम्हें ये भी होता है कि ये कट मेरे पे सूट करेगा नहीं करेगा, ये मैंने सुना मैं तुम्हारे मुंह से बहुत बार, ये कहती रहती है। दैट्स ट्रू। अच्छा यार, बेसिकली किचन का ये है कि मैं आई एम वेरी मूडी ऑन दैट। मैंने जब ये शुरू किया था तो मुझे शुरू शुरू में फील होता था कि ये मैंने क्या कर दिया, यू नो, गर्मी में जा, बिकॉज आई स्टार्टेड इन लाइक विंटर्स, तो मुझे ये था कि तब आई वाजंट हैविंग एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब समर्स, जब पहली समर्स आई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या शुरू कर लिया। लेकिन देन ऐसा ऐसा है ना, यूज टू हो जाता है, यू नो, व्हेन यू गेट द अप्रिसिएशन, व्हेन यू नो पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, व्हेन यू नो दे से कि हाँ हमने खाया, हमें अच्छा लगा। एंड स्पेशली लाइक ओल्डर पीपल, बिकॉज ओल्डर पीपल यू नो दे आर वेरी चूजी अबाउट थिंग्स, लाइक दे आर वेरी पिकी अबाउट थिंग्स। तो तब मुझे था कि नहीं चलो ओके ठीक है, इट्स ओके, आई कैन कंटिन्यू विद इट, यू नो। थोड़ी सी अप्रिसिएशन आपको जब मिलनी शुरू होती है, देन यू लाइक हाँ ठीक है। बट ये कि ऑब्वियसली बिकॉज फॉर मी 9 to 5 जॉब वॉज वेरी डिफिकल्ट व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग, तब फिर मैंने छोड़ दी थी जॉब। तो अब तो माशाल्लाह मेरी बेटी 2 साल, मतलब ग्रेड 2 में है। लेकिन ये कि इन द एंड वही बात आ जाती है कि विद टाइम यू गेट यूज टू द थिंग्स, एंड यू नो, मतलब व्हेन आई सैट एट होम तब मुझे लगता था कि मैं घर क्यों बैठी हुई हूँ, मैं फारिग हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। एंड देन अभी कुछ अर्सा पहले वी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रेंचाइज, हमने ली थी सर्वेड की, फार्मेसी की, तो फिर मैं उसको भी देख रही हूँ साथ में। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों में अब बिजी रहती हूँ, तो अब यू नो आई फील के ओके आई एम डूइंग समथिंग, आई एम नॉट जस्ट सिटिंग एट होम, यू नो आई एम डूइंग समथिंग। फिर भी अच्छा, आई थिंक जो वर्किंग होती है ना, और जो अच्छा हाउसवाइफ्स के अपने इश्यूज हैं, वर्किंग के अपने इश्यूज हैं, एंड में वर्किंग होती है कि भाई कुछ भी पहन लो, इट्स फाइन, हमने तो सुबह काम किया था। जॉब की वजह से ना इश्यूज आपके कपड़ों पे और डिजाइनिंग पे बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो हम इन सब के बारे में बताएंगे आपको, और जो हमारा एज ब्रैकेट, ऐसे मैं बार बार एज का जिक्र कर रही हूँ, वी ऑल आर यंग बाय हार्ट, वी ऑल आर यंग, ज़रा बार में मुझे यूं करके देखना। और नॉर्मली जो एज ब्रैकेट की हम बात करें, 30 to 40 का जो एज होता है, उसमें अपने इश्यूज होते हैं हमारे, हम आई थिंक हम बड़े पिकी और चूजी हो जाते हैं कपड़ों के मामले में, जेवर के मामले में, कम्प्लेक्शन के मामले में, मेकअप के मामले में। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक में जाते हैं। गुड मॉर्निंग खाना, वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम देख रहे हैं कि इतना प्यारा, इतनी प्यारी प्यारी फिलजा लग रही हैं, बहुत डिफरेंट सा मेकअप नज़र आ रहा है। अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं ना कि हमने लॉन का जोड़ा पहना है तो बस लाइनर लगा लो और चलो, बट ये बड़ा ब्लेंडेड लग रहा है, बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो फिलजा आपने खुद देखा है अभी तक? नहीं, अभी नहीं देखा होगा फिलजा ने। नहीं, मेरे लिए अभी तक सरप्राइज है, लेट्स सी। लेकिन मुझे इन पर पूरी उम्मीद है कि ये एक बेहतरीन सरप्राइज होगा। अच्छा, वो फिलजा वो वाली मॉम है जो कि हमेशा सिर्फ आगे आगे नहीं होती हर चीज में, कि अभी तो मैं जवान हूँ, और फिलजा टक 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 टक। फिलजा सबसे ज्यादा वोकल है ग्रुप के अंदर, कोई बच्चों का मामला हो, किसी चीज का मामला हो, कोई गेम हो, फिलजा इज द फर्स्ट पर्सन टू प्ले इट। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी विद माई लाइफ, अल्लाह का शुक्र है। शादी से पहले आई वॉज वर्किंग, आई हैव टॉट एट LGS, आई हैव टॉट एट लकास। शादी के बाद जब मुझे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ा, तो फिर आई वेंट ऑल इन, आई गो ऑल इन। फिर मेरी बड़ी बेटी है मारिया ग्रेड 4 में, और छोटी अनाबिया ग्रेड 2 में, उनके लिए मैं काफ़ी कुछ कर रही थी। फिर जब ग्रुप की बात आई, सारे मदर्स से बात आई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये सबके लिए करूं। हाँ। उसके लिए फिर मैंने कुछ एक दो चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं, होप इट वर्क्स वेल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वी विल टॉक अबाउट इट। बट इधर मैं आ रही हूँ, इधर जो है हमारा जो पैनल है वो बड़ा मजेदार किस्म का पैनल है। तो अभी एक कोट मैं सुन रही थी जहरा से, जहरा खुद ही बता दें वो कोट क्या है। द कोट इज, है ना, हम एज की बात करते तो मैं कहती हूँ लाइफ बिगिंस एट 40। Yes, seriously, it does. Yeah. And उसकी एक रीज़न है सिंपल, एंड रीज़न ये था, आई थिंक इन आवर 20s में हम पढ़ रहे होते हैं, करियर बना रहे होते हैं, शादी हो जाती है,
बच्चे हो जाते हैं 30s तो बहुत बिजी ईयर्स होते हैं आई थिंक. बच्चे यूजली लोगों के छोटे होते हैं और साथ कुछ और यू नो इफ यू आर अ हाउसवाइफ यू आर वर्किंग ऑल द टाइम एंड बिकॉज यू नो वो वुमेन का लेबर रिकग्नाइज नहीं होता लेकिन जो घर पर औरतें रहती हैं दे डोंट गेट पेड फॉर देयर वर्क बट दे आर वर्किंग 24 आवर्स कैरियर्स होती हैं बच्चों की एल्डरली की सब कुछ एंड देन ऑफकोर्स वर्किंग वुमेन तो दे हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट मुझे लगता है कि 40s में आके हमारे बच्चे ज़रा बड़े हो गए होते हैं उनकी जिंदगियाँ होती हैं एंड सो दैट थकन जो होती है ना वो छोटे बच्चों को पालने वाली सो देन यू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ. इसलिए आई बिलीव लाइफ बिगिंस एट 40 बिकॉज देन यू कैन यू नो एंजॉय थिंक अबाउट योर सेल्फ अ लिटिल बिट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं बट आपको टाइम मिल जाता है फॉर योर सेल्फ. ज़हरा यू बीन टीचिंग इन अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. या कभी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि आखिर कैसे तैयार होकर कैसे जाते हो. मुझे ये होता है कि टीचर्स जो होती हैं हर वो ग्लासेस लगाई हुई जूड़ा किया हुआ एंड दे आर रनिंग बैक. आई थिंक हाउ कैन यू कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ यू टीचिंग फॉर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स अराउंड यू. आई थिंक जहाँ मेरा जो टीचिंग करियर जो रहा है उसमें आई एम सराउंडेड बाई हाईली बहुत ही क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड men and women. I'm very lucky to be in that environment. I think as far as dressing goes, you're right. You have to think about it. Aisa nahi hai ki we can just show up in our pajamas. Aisa nahi hai because I believe that you do need to dress the part. If I want my students to take me seriously, agar main chahti hoon wo sune, wo mujhse seekhe, then I have to dress professionally and sensibly. And yes, I do like to give my ethnic touch. Because I believe that our country has a beautiful culture और हमारे सब कुछ jewellery चाहे हो कपड़े हो I don't really believe in designer labels and stuff because I feel each to their own. हर किसी का अपना fashion sense होता है and there's no one right way I think. मेरा ये है कि I like to buy local और प्रमोट अपना लोकल अपने बनाए हुए क्योंकि ज़हरा के कपड़ों में क्रॉस स्टिच भी मिलेगा बेनज़ीर टांका भी मिलेगा ऐसे ऐसे टांके जो ये पहनती हैं और हम पूछ रहे होते हैं कि ज़हरा ये कहाँ से लिया वो कहती हैं यहाँ से लिया वहाँ से लिया या आई कैन सी दैट यू प्रमोट लोकल बनाना भी आता है कुछ तो कुछ आता है जी. माई मदर यू नो शी टॉट मी क्रॉस स्टिच एंड एम्ब्रॉयडरी व्हेन आई वाज यंग एंड स्टिचिंग क्लोथ्स. My mother, she is very talented. Unko knitting sab kuch aata hai. And I feel that parents should pass on their talents to their children. And my mother taught me embroidery, stitching, knitting. Maine nahi seekhi, kaash seekhi hoti. Crochet, sab kuch ammi ne sikhaya. Yeah, she did. Free time mein. I don't get time, but kabhi kabhi mujhe bahut urge hoti hai karne ki. I miss it. Toh maine is baar socha hai ki summer mein main ek project karungi. I'm going to very nice. Do something. Thoda sa time hoga. Very nice, Zainab. We will be looking forward for the project and we'll be part of it. Thank you. Zainab, charity organization mein you've been working aur phir ड्रेसिंग का बहुत बड़ा इशू होता है. वहाँ लोग आते हैं जो डिफरेंट तबकों से बिलोंग करते हैं तो आप अगर ओवरली ड्रेस्ड हो जाओ तो वो भी एक बहुत बहुत बड़ा मसला है और अगर ना ड्रेस हो तो वो भी बड़ा मसला है. तो इस बैलेंस को कैसे लेके चलती हैं बेसिकली उसके अंदर फिर ये जैसा मैं बता रही थी कि आई यूजली ऑप्ट फॉर बेसिक कलर्स होते हैं उसके अंदर फिर ये कि आई फोकस ऑन द कट्स और उसके अंदर फिर ये कि प्लीट्स हो जाएँ कपड़े के टेक्स्चर जो है सेल्फ प्रिंट्स वगैरह टेक्सचर्स. आज आपने कितने सालों बाद मेकअप किया है ऑनेस्ट बताइएगा. आई नॉट अ मेकअप पर्सन बेसिकली. मैंने अपनी शादी पे कराया था लास्ट टाइम मेकअप और उसके बाद मैंने अब कराया थैंक्स टू यू आपने ये दिया. बट लाइक यूजुअली ये है कि आई नेवर लीव द होम विदाउट काजल एंड अ वेरी लाइट शेड ऑफ लिपस्टिक. ये दो चीज़ें तो जो है वो मैं करती हूँ लेकिन जो है ना वो इतना ज़्यादा जो वो आज था यू नो टू फॉलो ऑल द स्टेप्स वो तो मैंने जो है ना कोई 12-13 साल बाद जो है वो किया होगा. 12-13 साल बाद ऐसे ये भी होता है कि लोगों को नहीं पता कि मेकअप कैसे करना है ग्रूमिंग कैसे करनी है हमें बस जो भी है बस लगा के चले जाओ. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली यू नो अ मैसेज फॉर ऑल द वुमेन कि देखिए सबसे पहला ठीक है हम लोग काम कर रहे हैं वी आर बिजी लाइफ्स घर भी है हमारा प्रोफेशन भी है एवरीथिंग इज़ देयर बट सबसे पहला हक जो है वो हमारा हमारे ऊपर है. तो यू नो वी शुड नॉट लेट गो ऑफ आवरसेल्व्स यू नो स्पेशली यू नो आई रिमेंबर दैट यू नो आई एम आल्सो अ सिंगल पेरेंट
तो मैंने जो है वो एक टाइम था कि यू नो आई लेफ्ट डूइंग एवरीथिंग, बट फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि आई हैव द फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी दैट आई हैव इज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड देन आई हैव अ डॉटर एज वेल. बिल्कुल, एंड आई हैव अ डॉटर एज वेल, तो वी हैव टू शो आवर चिल्ड्रन एज वेल के जो है ना अपने कैसे मदर्स होती हैं, वैसे ही रोल मॉडल बेटियों की जो माएं होती हैं ना उनको ज्यादा अगर हम कुछ ना करें तो मामा आप ये नहीं करती, मामा वो नहीं करती, आपको ये नहीं आता, टू बी वेरी पर्टिकुलर. सुनते रहते हैं अपनी बेटियों से. अब बेटियां बड़ी भी हो रही है ना तो अब तो दे पर्टिकुलरली टेल यू. मेरी वाली मुझे कहती है बड़ी फैशनिस्टा हो गई. गलत तो नहीं कह रही वो. ट्राई करी ना कोई ना. तो यहाँ जो है वो माँ वाव वाव फिल्जा इज ऑलमोस्ट रेडी, जस्ट अभी बाल रह गए हैं और अमेजिंग लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बट अभी प्रॉपर जो लुक है वो दिखाएंगे. और माँ साहब आपकी कमीज का क्या हाल है? जी कमीज स्टिच हो गई है तकरीबन, सिर्फ बाजू लगने हैं. कमीज स्टिच हो गई है, बाजू लगने वाले रह गए, दुपट्टा बन चुका हुआ है और ट्राउजर स्टिच हो रहा है. हम 30 मिनट में जोड़ा दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को? इंशाल्लाह. हाँ इंशाल्लाह, वैसे भी इंशाल्लाह माँ साहब ने बोल दिया इसका मतलब है कि वर्क इज डन. जब माँ साहब के मुंह से इंशाल्लाह निकला तो व्यूअर्स समझ लो कि काम हो गया. और इस काम के साथ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको जोड़ा भी दिखाएंगे, मेकअप भी दिखाएंगे, पूरी लुक भी दिखाएंगे, मजीद बातें भी करेंगे. गुड मॉर्निंग धनक. बैक व्यूअर्स, तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की और ओपिनियंस ले रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या हैं, अपने आप को अच्छा कैसे दिखाना है, अपने आप को कहते हैं ना कि हर वॉक ऑफ लाइफ में आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है. और जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं है, जो माँ साहब ने जुन जुन मशीन चला के ना वैसी वो डिस्टॉर्शन हो रही है, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द शो. और क्योंकि हमने आपको जोड़ा दो घंटे में बना के दिखाना है और हमारी मॉडल ने भी वो जोड़ा पहनना है, तो मॉडल भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है. द मेकअप इज़ ऑल डन एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस. अगर हम उनको देखें तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं और अपनी डेली रूटीन से. अभी तो माँ साहब जो हैं वो कपड़े सी रहे हैं और माँ साहब का कपड़ा दिखा रहे हैं और हम शॉर्ट्स दिखा रहे हैं माँ साहब के. माँ साहब ने माँ साहब शर्ट हो गई है तकरीबन प्रेस कर रहा हूँ शर्ट प्रेस कर रहे हैं जी, ये प्लाजो शुरू हो गया. जो फिलजा है वो इतनी एक्साइटेड है, फिलजा कह रही है कि मेरे नाप पे पूरा आ जाए. फिलजा टेंशन नहीं लेनी, नाप आपका ठीक होगा. पिंकी जोड़ा तैयार होगा और फिलजा पिंक पिंक मेकअप के साथ आएंगी और यू नो मॉडल करेंगी. तो माँ साहब जो है वो भी लगे हुए. तो माँ साहब वैसे आपने नॉर्मल बता रही हूँ कि आपने वैसे इतनी एफिशिएंसी से कभी काम दुकान पे किया? नहीं, कोशिश तो होती है जी, आपके साथ इतना अच्छा हो गया काम तो. अच्छा मुझे तो माँ साहब के बहाने होते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ. माँ साहब वो तो कहते हैं ना कि जो आपके जो बहाने वो पार्ट ऑफ ये काम की ये जरूरी है. अरे माँ साहब सबसे ज्यादा बहाना क्या यूज है? शेखुपुरा के अलावा कौन सा बहाना है? क्योंकि माँ साहब का टेंट वाला में शेखुपुरा चला गया, इसके अलावा बहाना बताएं. नहीं वो बहाना नहीं होता, हकीकत होती है. अच्छा लाइट नहीं थी. लाइट नहीं, इम्पोर्टेंट चीज है, जरा नहीं बता दिया. लाइट नहीं थी, बाजी लाइट नहीं थी, जो सच भी होती है अक्सर बात. लाइट नहीं थी, लाइट तो है. एक और भी है बट ऑन एयर जाने की उसको आई थिंक जरूरत नहीं है. कुछ फैमिली में डेथ हो गई है, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन. फैमिली में डेथ हो गई है या अल्लाह माफ करे, कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इट्स फाइन. तो अब जो है ना मैं जरा उठ के देखूं फिलजा का जो मेकअप है, बार बार से जा रही हूँ कि फिलजा बहुत पिंक पिंक लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इनका सारा कम्प्लेक्शन मेकअप. फिलजा अपने अब आप देख सक रही हैं अपने आप को, थोड़ा थोड़ा देख रही हैं पीजीएम पे आपको नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही आला लग रहा है. और टू रियली टेल यू दैट इन्होंने जिस तरह मेकअप को एक्सेंचुएट तो किया ही है, मेरे अंदर एक यूथफुल लुक आई है इस मेकअप से. आई एम थिंकिंग लाइक दैट. अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल से आवाज का थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है तो सॉरी. अब आ रही है आवाज? अब मेरे ख्याल से इशू क्लियर हो गया. हां, आई एम वेरी हैप्पी इन्होंने जो मेकअप किया है, इन्होंने मेरे सूट को मेरी लुक को एक्सेंचुएट किया है. प्लस मुझे फील हुआ है कि इस लुक से यूथफुल लुक आ रही है. एग्जैक्टली, यूथफुल लुक आई है मेरे अंदर, तो आई एम फीलिंग रियली गुड. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को भी बताती हूँ, सबको बताती हूँ, व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, फिर आप कहीं भी कुछ भी करने चले जाएं, यू विल विन. कुछ भी करने चले जाएं, यू विल विन द वर्ल्ड. यू शुड हैव टोटल कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ. अच्छा वो वाली बात है कि जहरा बैठी हुई है, सना, ज़ैनब,
डू वी नीड अ यूथफुल लुक इफ वी आर डन विद व्हाटएवर वी आर, कि होता है कि हमें भी चाहिए भाई, हम भी अच्छा लगना चाहते हैं, हम भी वो कहते हैं ना गर्लिश वापस 20s में जाना चाहते हैं, ऐसा होता है? गर्लिश पे वापस तो आप नहीं जा सकते हो ऑब्वियसली विद योर एज विद योर यू नो एवरीथिंग द स्किन एंड एवरीथिंग, लेकिन ऑब्वियसली यू डू वांट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ यू नो, तो आप उस एफर्ट भी आप सारी इसीलिए करते हो फिर कि यू नो आप तैयार होके निकलो। ये कॉम्प्लीमेंट आता है, आप बड़ी यंग लग रही है, कितना गुस्सा चढ़ता है, आते हैं ना तुम्हें पास? मुझे तो नहीं मिलता मुझे कॉम्प्लीमेंट भी ना लगे। आई थिंक every look, every woman at every age can be beautiful. And women are beautiful. Women are beautiful. So, beauty, we don't have to, you know, adjust the beauty standards. सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि you know you be comfortable in your own skin and enhance your features at the age that you are. बस you know this is the best that you can. आप यंग लग रही थी, मैं तो दो बार शीशे में देख रही होती अच्छा, मैं वो बोल रही थी कुछ हो गया, आप बड़ी यंग लग रही थी। लोगों को काफी इश्यू होता है इस बात से कि वो तैयार होके आए तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल नहीं लग रहा, बदल के रखती हो, कहते क्यों भाई मैं पहले ही बहुत अच्छी हूँ नहीं वो बेचारे ना बड़े परेशान हो जाते मेकअप आर्टिस्ट का भी कमाल नहीं, होता है सारा कमाल मेकअप आर्टिस्ट का होता है, वो किस तरह आपको किस लुक से किस लुक में ले जाता है ये तो व्यूअर्स देख के बताते हैं कि कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। बट वो जो बात है ना यंग लगने वाली और बदल के रख दिया तो पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है अगर मुझे कोई कहे, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हम खुद बहुत अच्छे हैं, वो आंटी भी इतना माइंड कर जाती है आंटी के ऊपर ही, अभी हम कुछ बूढ़े हो गए हमें आंटी आंटी कर रहे हैं। ये भी होता है कि कुछ कुछ जगहों पर ट्रेंड ये है कि आपकी की शादी हो जाए तो लोग आपको आंटी कहते हैं, तो ये क्या बात है? वो इट दैट हर्ट्स अ लॉट, मैं तो हुई थी हर्ट, दिल के से इट डज हर्ट। मां साहब हमारा क्या अब हो गया काम? जी पूरा बन गया। वैसे मां साहब ये तैयार होगी तकरीबन, अच्छा तेरा तैयार है और इसके इसके वो दुपट्टा भी तैयार हो गया? जी दुपट्टा भी तैयार है, इसके बाद जो है ना प्लाजो स्टिच हो रहा है। आप ये जूम करके देखें, अब आपको नज़र आ रही है हमारी कमीज क्या आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, और दुपट्टा जो है वो भी तकरीबन तैयार है। पैंट्स पे कितना टाइम रह गया? तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट तक। अच्छा मां साहब मुझे एक बात बताएं, आजकल शलवार और शलवारों का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, शॉर्ट शर्ट और शलवारें, और शलवारें खुली शलवार आ रहे हैं वापस, खुली शलवार का घेर कितना होगा? घेर तकरीबन जो है ना वो राउंड 60 होना चाहिए। हम खवातीन की आपने टाइप्स देख ली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे इधर हैं, किसको सूट करेगी शलवार खुली? शलवार तो ये प्लाजो बनवा रहे हैं, मेरा था कि मैं शलवार बना के दूँ, लेकिन शलवार उन्होंने, लेकिन प्लाजो का भी ठीक है, शलवार जो है ना बड़ी अच्छी लगेगी इनकी, अगर शॉर्ट शर्ट पहने 34-35 शर्ट का लेंथ हो और उसके साथ खुली शलवार। मुझे लगता है कि शलवार से बंदा मोटा नहीं लगता, जो काउल्स आते हैं या कुछ होता है शलवार? नहीं नहीं, वो इसकी अपने एक लुक है, वो आप उसको देखोगे तो बड़ा स्मार्ट लगोगे, जब आप खुद ही अपने आपको हेल्दी समझोगे तो फिर वो तो अच्छी लगेगी नहीं। मां साहब कह रहे हैं अपने आपको खुद ही हेल्दी नहीं समझना, मां साहब ये कहते हैं कि औरत को खवातीन को अपने आपको हेल्दी नहीं समझना, आप समझे आप बहुत खूबसूरत हैं जी, ऐसी ही होना चाहिए। अच्छा हाँ पंजाबन, वैसे मैं हाफ पंजाबन हूँ हाफ नहीं हूँ, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जो भी है हम लोग सब एक हैं और अच्छा लगना हम सबका हक है, और आज हम इसी हक को जुटा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने भी अच्छा कैसे लगना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देख लीजिए गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमारा जो लाउंज में जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने उनको देखा तो उस टेबल पे कटिंग करते करते, लेकिन वो हमारे साथ आके बैठ गए, तो मास्टर हफीज ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ हमें सलमा अवान ने ज्वाइन किया है जो कि बहुत अच्छा मेकअप उन्होंने करके हमें दिखाया और बताया कि आपने अपने आपको यंग और कहते हैं ना यूथफुल कैसे दिखाना है। तो अगर हम यूथफुल की बात करें, यंग रहने की बात करें, यंग होने की बात करें और अपने आप को यंग समझने की बात करें, तो ये हमारे मेन दो लोग हैं। अच्छा दूसरी बात ये है लेडीज, हमें बहुत ही शिकायतें होती हैं। अच्छा हमें सबसे बड़ी एक शिकायत की छोटी सी मिसाल में ये देती हूँ कि माँ साहब एक डिज़ाइनर ने दो जोड़े निकाले हैं, लाइक दो क्या निकाले हैं, बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन दोनों ने एक जैसे जोड़े आप बना रहे हैं, जैसे एक ब्रांड का आप जोड़े बना रहे हैं, तो एक लेडी कहती है कि हमें उस जैसा नहीं लगना, तो उस पर आप क्या कहते हैं फिर? उस पर
अगर एक ही डिज़ाइन है तो उसमें बड़ी चेंजिंग हो जाती है, आप उसमें लेंथ का फ़र्क डाल के उसकी बॉडी को देख के उस हिसाब से, अगर देखना है कि कैप्री अच्छा लगता है तो कैप्री में चले जाएंगे, वरना प्लाजो हो जाएगा या खुली शलवार हो जाएगी, इस तरह फिर वो देख के बॉडी को उस हिसाब से फिर मैनेज उसको कर लेते हैं, फिर लेंथ का उसमें गैप आ जाता है, पैचेज वगैरह वगैरह जो आते हैं उसमें फिर चेंज थोड़ा सा करके लुक सारी चेंज कर देते हैं उसकी। लेडीज़ को कोई शिकायत है माँ साहब से तो वी कैन आस्क हिम कि क्या होती हैं? अपने अपने माँ साहब से तो है, इनको क्या बोले नॉर्मली होती क्या है? नॉर्मली ऑब्वियसली फिटिंग का इशू, एक्चुअली ऑनेस्टली अब पिछले 2-3 साल से तो मैंने जो अपने दर्जी चेंज किया है वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक जा रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली ये कि यू जस्ट नीड योर क्लोथ्स ऑन टाइम, बेसिकली टाइम पे कभी कपड़े नहीं आते, जो मर्जी आप कर लो, चाहे ईद हो, चलो ईद पे दे हैव रीजंस के रश होता है या व्हाटएवर, लेकिन ये कि टाइम पे बस नहीं आते, दैट्स द ओनली इशू आई हैव बीन फेसिंग सिंस सो मेनी इयर्स कि वो एक ही मुझे तो ज्यादा फील होता है। और ज़हरा आपको कभी होता है कि आपका आपकी साड़ी किसी और ने पहनी, आप कहेंगे मां साहब आपने इनकी साड़ी किसी और स्टिच कर दी? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो आई डोंट थिंक द मां साहब विल सर्वाइव इट। नहीं आई एग्री कि देर हो जाती है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड आजकल जैसे बिजली के हालात वगैरह जो हैं एवरीथिंग, मेरा पॉइंट सिर्फ होता है कि दे नीड टू कमिट, बिल्कुल नीड टू टेल अस, देखो आई डोंट नीड अ सूट कि मैं जी मैंने परसों कहीं जाना है तो मैं परसों ही पहन लूं, बट द पॉइंट इज दिस कि दे नीड टू कमिट कि यार मैं इधर से आप 2 हफ्ते ले लो, बट इन द एंड 2 हफ्ते बाद कपड़े आ जाए, लेकिन वो 2 हफ्ते बाद भी कपड़े पता चलता है जी लाइट नहीं थी, ये हो गया वो हो गया, तो जी टाइम पे कपड़े नहीं आए, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ये टाइम का इशू की वजह से ना, अब फॉर सम टाइम आई हैव यू नो स्टार्टेड buying ready to wear. मुझे लगता है कि that is more convenient. Ready to made की चांदी हो गई. बिल्कुल वो ये कि आपको if you need something आप जाएं लें आप पहने और आपका जो है ना वो उसी वक्त जो है ना it's a problem solver. आप इसको कैसे curb करेंगे इन चीजों को, आप क्या कहते हैं? ये वासु साहब के लिए भी बड़ा इशू होता है, कारीगर बैठे हैं, बस टाइम किसी कारीगर को कोई जरूरत पड़ गई है वो नहीं आया, एक दो दिन वो काम चला गया है, गाँव चला गया है, ये बड़ा इशू है गाँव का जो आपने कहा ना, ये बड़ा इशू होता है। उसके बाद लाइट, आपको पता कितनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे लाइट की, दो दो तीन तीन घंटे चार चार घंटे लाइट बास टाइम नहीं आती है, यही होता है, वरना हमारी तो बड़ी कोशिश होती है। मैंने ये देखा है कि अक्सर ईद का त्यौहार जो आता है मैं 2 दिन पहले ही फारग हो जाता हूँ अपने, मैंने मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को टाइम से जो है ना काम दूँ, बड़ी कोशिश होती है, लेकिन फिर भी बात हो जाता है, लाइट की वजह से कारीगर नहीं आया इस वजह से, या बास टाइम कुछ कोई काम हो जाता है सीरियसली, फिर वो नहीं शॉप पे जाया जाता, ये प्रॉब्लम होती है, वरना इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी होती है कि सोचते तो है कि हमारा क्लाइंट हमसे खुश जाए। बिल्कुल। अच्छा मासा तो ऑल्टर्स भी आप देते होंगे काफी ज्यादा? ऑल्टर नहीं इंशाल्लाह कोशिश, कल भी देखा है आपने सूट स्टिच करके दिया है, ऑल्टरेशन नहीं आती, तो वैसे नॉर्मली मां साहब की ऑल्टरेशन नहीं आती ये मैं गारंटी कह सकती हूँ, ये इवन के साइज लिए बगैर सी देते हैं, तो लेकिन जब आती है और अगर आपसे कोई साइज गलत बन जाए तो आप फिर उसको कैसे अगले पे डालते हैं बात? नहीं नहीं वो उसको कवर कर लेते हैं, उसको कहते हैं जी आप दें, ये अगर हमारी गलती है तो फिर उसको कवर करके देते हैं, ठीक करके देते हैं, उस ये अगले पे डालना तो फिर वो तो कोई बात ना होगी। आप कपड़े लेके आए हो मेरे पास स्टिचिंग के लिए, तो मेरा बनता है अगर मेरे से गलती होगी तो मैं उसको करूँ, उसको खोल के उसके ठीक करके ऑल्टरेशन करके उनके हवाले कर। अच्छा खवातीन अपना टेलर भी नॉर्मली नहीं बताती? नहीं बताते ना, नॉर्मली नहीं बताते कि हमने कहाँ से सिलवाया है, क्यों सिलवाया है? आई डोंट हैव दैट इश्यू विद दिस प्रोजेक्ट। नहीं बट यू राइट, लोग नहीं बताते, बट आई जस्ट थिंक के बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ही इज आल्सो वर्किंग पर्सन, उनकी भी और क्लाइंट्स आए, व्हाई नॉट। तो लेकिन यू आर राइट, अक्सर लोग नहीं बताते, नहीं बताते। माशा अगर आपसे किसी ने सिलवाना हो या رابطہ کرنا ہو تو کہاں آنا چاہیے؟ یہ شاپ ہے میری 7UP मकानी मेन बाजार में और शॉप। तो आप लोग घर से भी पिक करते हैं? जी पिक हो जाता है, पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं घर से भी। ये जब से मां साहब ने शॉप शुरू की है हम सब की वैसे ही हम लोग बेचारे फारिग बैठे हैं। नहीं नहीं आपके साथ मेरा इतना है पुराना माशाल्लाह से, तो कोशिश तो होती है कि आपको भी कभी नाराज ना करें। हाँ, भी कर देते हैं। लेकिन माशाल्लाह बड़ी जिस तरह इन्होंने जिस स्पीड से बनाया है, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। के जो है ना ये जो इंप्रेशन है ना, ये आज जोड़ा मेरे वर्कशॉप में भी जाके मां साहब इतने घंटों 2 घंटे में सीख के दिखाएंगे।
नहीं वो कार्ड का होता है ना, अब आपके पास माशाल्लाह कार्ड्स जो होते हैं वो बड़ा डिफरेंट कार्ड होता है, बस कार्ड होते हैं वो पूरा पूरा दिन ले जाते हैं एक उसको डमी पे सेट करना, आसान डिजाइन ये होती है चीजें, ये सारी देखनी पड़ती है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है जरा, वुमेन आपस में अगर हम लोग एक हो जाएं, कलेक्टिव एक दूसरे को बताएं, बातें शेयर करें, तो खैर लड़ाइयाँ कम होंगी और हम लोग एक अच्छी फैमिली की तरह ग्रो करेंगे। और हमारी जो एक मॉडल है फिलजा, वो गई हुई है चेंज करने के लिए, वो आती है तो हम बात करेंगे मेकअप के ऊपर भी और सलमा से डिस्कस करेंगे, तो वो अभी थोड़ी देर में आएंगी और फिर हम बात करते हैं उनसे। छोटी सी ब्रेक पर जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें, गुड मॉर्निंग धनक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू लुक ब्यूटीफुल। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फील हो रहा है, अच्छा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही है। तो फिलजा, अच्छा सबसे बड़ी बात है फिलजा ने चैलेंज लिया कि मैं करूंगी ये, क्योंकि होता है ना कि नॉर्मली कहते हैं नहीं यार अब क्या करना है, अब क्या हमारी उम्र है, हमने ये काम नहीं कर सकते, हम कौन मॉडलिंग करें, हम क्यों करें, बट यू नो एवरी एज हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स, हर एज का अपना एक खूबसूरती है, और ख्वातीन किसी भी एज में जाएँ, किसी भी ब्रैकेट में वो हों, उनकी एक अपनी एक ग्रेस, एक इनोसेंस और एक खूबसूरती वो नज़र आती है। थैंक यू सो मच माँ साहब आपका, आपने बड़ा अच्छा सिया, ऐसे प्लीज वर्कशॉप भी ऐसे सी दीजिएगा। और अनम के जो विंग्स है वो नजर सामने आ रहे हैं, अनम तुम्हारा हमेशा से ही प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज बीन, और थैंक यू सना, आप आई एंड यू ग्रेस अस विद लॉट ऑफ नॉलेज एंड यू नो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। ज़ैनब थैंक यू, आपका काम थोड़ा सा ऐसा है, बट यू नो आज ज़ैनब इज लुकिंग अमेजिंग एज यूजुअल, बट हमारा जो दूसरी साइड पे जो हमारी जो एक है ना कि एक हीरोइन है, और जिनको हम हमेशा से ही मैं कहती हूँ कि यू नो ज़हरा यू लुक डिफरेंट, ज़हरा में एक वाइब आती है कोई यू नो एक नॉस्टैल्जिक पुराने जमाने की हीरोइन, तो थैंक यू, योर साड़ी इज you know doing a complete justice with your entire look, thank you so much, thank you for having me on your show, no it's our pleasure, zara it's a pleasure, aa jaye aur salma thank you so much, aapne aaj mera makeup bhi kiya, main dikha do jo meri looks hain, close up dikhaye ji mera, salma ne bahut acha makeup kiya hai aur I think aaj main zara different bhi lag rahi hu, aisa hi hai na salma, और फिलजा का मेकअप सलमा ने किया, तो आपने देख सकते हैं लाइव किया, तो सलमा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू नो कमिंग टू द शो, और हमारे शो का आपने अच्छा बनाया, बेहतर बनाया, खूबसूरत बनाया, हमें खूबसूरत बनाया। अच्छा एक एक मैसेज बीइंग अ वुमेन, मैं ज़हरा से स्टार्ट करती हूँ, ज़हरा छोटा सा प्यारा सा मैसेज, सेलिब्रेशन ऑफ अ वुमेन, हमारा एज, हमारी ब्रैकेट, हमारी एग्जिस्टेंस कितनी मैटर करती है हमारे लिए और बाकी खवातीन के लिए। I think women हर उम्र में खूबसूरत होती हैं और बस you know we should all uplift each other and women should support women. That's what I believe in. Yeah. That's very important. Filza, आज आपको अपने आप में कैसा लग रहा है? I feel awesome and to really tell you the truth, I think I should be thankful to Maa Saab and to Salma. इनकी वजह से मेरी ऐसी माशाल्लाह बेहतरीन सी लुक आई है. As per we're talking about message for women, मेरा वही मैसेज है जो मैंने पहले कहा था, that love the skin you're in. Be confident और be strong. हमें strong और confident लेडीज़ की ज़रूरत है जो कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बेटियाँ आगे बनाएं, ब्यूटी खुद ब खुद आ जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। माँ साहब आप हमें कुछ कहेंगे?
कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी गलती बता दी। मैं जरूर कहूँगा, मेरा ये हर उस क्लाइंट से है जो गिला करता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही ना, आप आए इंशाल्लाह तो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से इंशाल्लाह आपको अच्छा ड्रेस करके देंगे। हाँ जी, वेरी नाइस। अनम जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि जैसे फिजा ने भी बोला कि आप अपनी स्किन, अपनी बॉडी शेप उसमें खुश रहें और अपने में कॉन्फिडेंस रखें कि आप खूबसूरत लग रहे हैं। आपको आप अपनी ज़ात खूबसूरत लगनी रही अदर देन कि दूसरों के कमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बिल्कुल सना, इट्स द सेम ऑब्वियसली, बट यू नो यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ, यू नो यू डोंट नीड टू एक्ट आउट ऑफ व्हाट यू आर, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर आपका पता चलता है, यू नो इफ यू आर एक्टिंग आउट तो वो पता चलता है आपको कि यू नॉट योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ एंड ऑब्वियसली सपोर्ट अदर वुमेन इन देयर हेल्प देम इन एवरीथिंग इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। ज़ैनब, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो वुमेन शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। जब तक आप खुद को खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे आप किसी और को भी मोहब्बत नहीं दे सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक यही इम्पॉर्टेंट है, लव योर सेल्फ। तो उससे जब आप अपनी केयर खुद करना शुरू करते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो और एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी जो है वो आपको नज़र आनी शुरू होती है और वो फिर मेरा ख्याल से कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू स्प्रेड दैट लव ऑल अराउंड यू। तो जब तक आप खुद ही जो है वो नहीं होंगे एक ज़हनी तनाव का या डिप्रेशन का शिकार है तो वही चीज़ें इर्द गिर्द भी जो है ना वो नजर आती हैं। बिल्कुल, आप अपने भी आप लगता है इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कहते हैं ना कि कुछ दौर होता है, मुझे लगता है कि हर दौर हमारा है, हम ख़वातीन हैं और हम एक पूरे माशरे को आगे लेके चलती हैं। खूबसूरत होना छोटे छोटे मसले मसाइल अल्लाह ताला की तकसीम है, कोई मट मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई सांवला है, कोई इस तरह है, कोई बहुत गोरा है, तो किसी के अपने छोटे बाल, किसी के लंबे बाल, किसी का लंबा कद, किसी का छोटा कद, ये सारी एक जो होती है ना ये एक एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जो अल्लाह ने हमें तकसीम की होता है। बट इंटरनली हर औरत खूबसूरत है, एक्सटर्नली भी खूबसूरत है, इंटरनली भी खूबसूरत है। बस विजन जो होता है वो आपकी आँखों का होता है कि आप उसको किस तरह देख रहे हैं। और इस मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम से बाय बाय कहते हैं, इख्तिताम पे जा रहे हैं। कल आएंगे हम फिर इसी टॉपिक पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। हम देखते रहिए, पसंद करते रहिए। गुड मॉर्निंग धनक।